इंदौर में दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों ही हादसे तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते हुए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इंदौर में शनिवार देर रात विद्यानगर में रहने वाले 63 साल के अनाज व्यापारी नंदकिशोर को साजन नगर स्थित शुक्ला नर्सिंग होम के पास गुरुकृपा ट्रेवल्स की यात्री बस ने टक्कर मार दी। हादसे में नंदकिशोर का चेहरा पिछले पहिए की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बवरकुआ पुलिस ने मर्ग कायम कर बस ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। नाम था और अपने फैक्ट्री से घर आ रहे थे, व्यापार करता अनाज का व्यापार है। बस ने टक्कर मारी है पीछे से। हाँ। वो उसका तो हमको थे नहीं, ऑन स्पॉट तो पता नहीं कुछ। तो शायद बस से हुआ था, मैं तो नॉट इन था, लेकिन मुझे आज मिली जानकारी इसका नाम नंदकिशोर है। नंदकिशोर पिता राजाराम अग्रवाल, उम्र 63 साल है और ये निवासी है 35 विद्यानगर। शायद व्यापारी है, ये नहीं मालूम आइडिया क्या करता है इनके परिवार वालों। वही दूसरा हादसा बाईपास पर डकाचा के पास देर रात हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि रावजी बाजार में रहने वाले दो युवक देवास माता मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे का उपचार जारी है। मेरे को तो यहाँ आने के बाद पता चला कि डकाचा। दोनों ही मामलों में एक्सीडेंट के बाद चालक मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।